हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है एक्सक्लूसिवली आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। बात करते हैं टीवी सीरियल, वो तो है अलबेला के आने वाले एपिसोड की। तो दिखाया जाएगा कि नकुल फैमिली के साथ में काफ़ी ज़्यादा वरिड होगा क्योंकि कोई भी उन्हें हेल्प नहीं कर रहा होता है। सरोज कहती है सयूरी कहाँ है, रश्मि उसे बताती है कि वो चमन से मिलने गई है पैसे लेने के लिए। नर्स कहती है कि सब कुछ रेडी है सर्जरी के लिए, लेकिन हम सर्जरी तभी शुरू करेंगे जब पैसे आ जाएंगे। दूसरी तरफ चमन सयूरी को मैंने प्लेट करती है और कहती है कि ये ऑफर एक्सेप्ट कर लो, पैसे ले लो। पैसा यहाँ पर उसकी जो मंगलसूत्र है उसके बदले तुम उसका सेक्रीफाइस कर दो। सयूरी को सरोज का मैसेज आता है, वो पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें पैसे मिले? चमन कहती है कि बोलो ये कैसा प्यार है कि तुम उसको मरने दे सकती हो लेकिन किसी और के साथ नहीं। चमन यहाँ पर उसको प्रेशराइज करती है और कहती है कि तुम अपना मंगलसूत्र हमें दान में दे दो या फिर सेक्रीफाइस कर दो। इधर कान्हा की हालत बिगड़ने लगती है। सयूरी कॉल करती है अपनी शादी के खूबसूरत पल और चमन यहाँ पर उसकी शादी के बारे में सोच रही होती है कान्हा के साथ। सयूरी को यहाँ पर सरोज का कॉल आता है, वो पूछती है कि क्या हुआ, कान्हा ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, पैसों का इंतज़ाम हुआ कि नहीं। चमन उसे कहती है कि ये पैसे ले जाओ, लेकिन अगर कान्हा को कुछ हुआ तुम्हारी वजह से तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। सयूरी फाइनली पैसे लेती है, चमन यहाँ पर उसका आधा पैसा छीन लेती है। वो कहेगी कि बाकी का अमाउंट हम तब देंगे जब तुम डिवोर्स पेपर पर साइन कर लोगी। सयूरी वहाँ से आधे पैसों को लेकर के हाथ में चली जाती है और उसे कोई भी व्हीकल नहीं मिलता और वो भागना शुरू करती है। और तभी दो जो चोर हैं वो उसके हाथ में पैसे देखकर उससे मांगना शुरू करते हैं। सयूरी उन्हें देने से मना कर देती है और वो उसे धमकी देते हैं। चमन को पता चलता है कि सयूरी अब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंची और सोचती है कि आखिर कहीं ऐसा ना हो कि उसके हाथ से पैसे भी जाएं और खाना भी ना मिल पाए। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि डॉक्टर कहते हैं प्रोसीजर डन हो चुका है, आप पैसे लाइए, क्योंकि कान्हा की कॉस्ट पैसों के डिले होने पर टिकी है। सरोज ऑफर करती है अपना मंगलसूत्र, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि नहीं नहीं ये सब कुछ काम नहीं करेगा और वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द पैसे चाहिए। सयूरी अभी भी उन गुंडों की धमकियों से डर रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। सयूरी उनकी आंखों में मिट्टी डालती है और भागती है और वो भागते भागते फाइनली हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचने वाली होती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कार में घुस जाती है वो और गिर जाती है। सरोज बहुत गुस्सा होती है कि सयूरी अब तक क्यों नहीं आई। तभी अचानक से कोई आता है और उसको स्ट्रेचर पर लाता है। तभी उन्हें रिवील होता है कि नहीं नहीं सयूरी नहीं है। तभी सयूरी कहती है भागते हुए बहुत ही ज़्यादा गंदी कंडीशन में और वो गिर जाती है दूसरों के ऊपर और सब उसे देख करके शॉक हो जाते हैं। सयूरी पैसे देती है नकुल को, नकुल जाता है बिल भरने के लिए। तभी सयूरी यहाँ रिकॉल कराती है चमन की कंडीशन के बारे में और रोती है। चमन यहाँ पर सपने देख रही है कि कान्हा की वो दुल्हन बन रही है। टिंगू नोटिस करता है, चमन उससे कहती है कि तुम डिवोर्स के पेपर बनाओ कान्हा के ऑपरेशन हो जाने तक। तभी वो कहती है कि मैं उन पेपर्स पर साइन करवाने जाऊँगी। सयूरी यहाँ भगवान के सामने प्रार्थना करती है, वो कहती है कि मैंने इस तरीके की सिचुएशन में खुद को डाल करके बहुत बड़ी मुश्किल कर दी है, लेकिन मैं कान्हा की ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकती। वो कहती है कि आप बस कान्हा की लाइफ बचा लीजिए, और वो दिया जलाती है लेकिन दिया ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। नकुल तभी सयूरी को बुलाता है और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। वेल, ऐसी एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। We'll be right back.